ओके okay, तो ये है गाइस एसूस का लैपटॉप पोर्टेबल है कॉम्पैक्ट है लाइट वेट है एंड हाँ क्यूट भी है तो यार इस लैपटॉप को मैं पिछले कुछ दिनों से इस्तेमाल कर रहा था तो मैंने सोचा यार क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करो इसी लैपटॉप के बारे में क्योंकि पर्सनली मुझे दोस्तों ये जो लैपटॉप है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया तो मैंने सोचा चलो यार आप लोगों को भी मैं इस लैपटॉप के बारे में बताता हूँ तो ये है, ZenBook इंच ट्वेंटी ट्वेंटी यस, इस लैपटॉप का मॉडल है दोस्तों यू एक्स थ्री टू फाइव वैसे दोस्तों आपको ये जो लैपटॉप है एक और वेरियंट पे मिलेगा फोर्टीन इंच में और उस लैपटॉप का मॉडल नंबर है दोस्तों यू एक्स फोर टू फाइव तो मेरे पास दोस्तों जो वेरियंट है वो है थर्टीन इंच तो ये लैपटॉप आता है दोस्तों थर्टीन पॉइंट थ्री इंच फ्रेमलेस नैनो एज डिस्प्ले के साथ जिसमें दोस्तों आपको एक फुल एच डी प्लस डिस्प्ले मिलता है ये दोस्तों एक आई पी एस एल सी डी डिस्प्ले है एंड लैपटॉप में दोस्तों आपको 90% परसेंट का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है जो इनक्रेडिबली दोस्तों स्लिम है करीब 2.5 पॉइंट mm फाइव एंड 2.9 पॉइंट mm आपको नैनो एज बेजल्स देखने को मिल जाता है जिससे आपको दोस्तों ओवरऑल स्क्रीन में जो बेजल्स है वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जिससे अगर दोस्तों आप लैपटॉप में काम करते हो कोई भी मूवीज़ देखते हो वीडियोज देखते हो यूट्यूब पे, तो उससे दोस्तों आपको जो ओवरऑल जो वीडियो देखने का एक्सपीरियंस है दोस्तों वो काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाता है मैंने कुछ वीडियोज़ देखे यूट्यूब पे मैं कहूँगा मुझे दोस्तों जो कलर रिप्रोडक्शन है व्यूइंग एंगल है दोस्तों मूवीज देखते वक्त वीडियोज़ देखते वक्त वो मुझे काफी अच्छे मिले लैपटॉप का दोस्तों जो डिस्प्ले है वो मैं कहूंगा ब्राइट है इंडो लाइटिंग कंडीशन में इवन दोस्तों आउटडोर में भी मैं कहूंगा इनफ ब्राइट आपको दे देता है क्योंकि दोस्तों ये जो डिस्प्ले है ये लैपटॉप है वो आता है 300 हंड्रेड निट्स मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ सो so, येस yes, आपको आउटडोर में भी बहुत अच्छी ब्राइटनेस मिल जाती है डिस्प्ले की दोस्तों क्वालिटी चेक करने के लिए मैंने इसमें कुछ मूवीज़ देखे और कई सारे वीडियोस देखे यूट्यूब में मैं कहूंगा कि ओवरऑल जो मुझे एक्सपीरियंस मिला यहाँ पर जो बेजल से दोस्तों वो बहुत ही मेरे को कम लगे अगर हम दूसरे लैपटॉप से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर जो कलर रिप्रोडक्शन है विंग एंगल है वो मुझे सीरियसली काफ़ी अच्छे देखने को मिले और डिस्प्ले दोस्तों अच्छा होने की वजह से आपको ओवरऑल आपको इमर्सिव एक्सपीरियंस मिल जाता है सो so, येस yes, मैं कहूँगा डिस्प्ले क्वालिटी इज़ ऑल्सो रियली गुड और Asus ने डिस्प्ले क्वालिटी में भी काफी बढ़िया काम किया है नेक्स्ट हम बात करते हैं डुअल है, है। तो है है, स्पीकर के साथ जिसमें दोस्तों आपको एक स्मार्ट एम्पलीफायर का सपोर्ट मिल जाता है जिससे ओवरऑल दोस्तों आपको जो साउंड क्वालिटी है लैपटॉप में वो भी काफी लाउड है और रियली क्लियर है ये yes, इतना मैं कहूंगा आप अभी साउंड सुन ही सकते हैं इसी लैपटॉप से यहाँ पर यार साउंड क्वालिटी भी आपको लैपटॉप में काफी अच्छा देखने को मिलेगा डूल स्पीकर दे रखा है और हरमन कार्डन सर्टिफाइड है सो so, साउंड की भी यहाँ पे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी और इस लैपटॉप को दोस्तों मैंने जितना भी इस्तेमाल किया है यूज किया है डिजाइन लुक एंड फील के मामले में पर्सनली इसने मुझे दोस्तों काफी ज्यादा इंप्रेस किया है एसुस का दोस्तों ये जो लैपटॉप है ये आता है दोस्तों डायमंड कट एल्यूमिनियम अलॉय के साथ यही नहीं दोस्तों इसमें आपको यूनिक कंसनट्रेट सर्कल फिनिश दिया गया है जिससे दोस्तों ओवरऑल यहाँ पर जो लैपटॉप है लुक वाइज बिल्ड क्वालिटी वाइज फील के मामले में ऑफकोर्स आपको ये बिल्कुल प्रीमियम लगता है सो यस दोस्तों बिल्ड क्वालिटी मैं कहूँगा डेफिनेटली इस लैपटॉप की काफ़ी सॉलिड है और इसके अलावा लुक एंड फील के मामले में भी यहाँ पर ए ने कोई कमी नहीं छोड़ी है बिल्कुल लैपटॉप दोस्तों देखने में प्रीमियम लगता है जो इसका हैंड फील है दोस्तों जैसे आप लैपटॉप को यूज़ करते हो वाइज देखने में तो जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है डेफिनेटली प्रीमियम है लैपटॉप के दोस्तों सबसे बेस्ट चीज मुझे ये लगी कि दोस्तों ये जो लैपटॉप है बहुत ही लाइट वेट है यस yes, करीब 1.11 पॉइंट के आसपास दोस्तों इसका लैपटॉप है ये वाला जो मॉडल है दोस्तों 13 इंच है और पर्सनली दोस्तों ये मुझे बहुत ही ज्यादा लाइट वेट लगा सच बताओ ना दोस्तों लैपटॉप कॉम्पैक्ट है स्लीक है एंड यस अल्ट्रा पोर्टेबल है शायद दोस्तों आपको जान के थोड़ी सी हैरानी होगी कि बेटर बिल्ड क्वालिटी के लिए और ड्यूरेबिलिटी के लिए यह लैपटॉप दोस्तों आता है एम आई एल एस टी डी एट वन जीरो जी मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन के साथ उसका दोस्तों ये जो जेन बुक थर्टीन है और जेन बुक फोर्टीन है 2020 ये आपको दो कलर वेरिएंट में देखने को मिलेगा एक है पाइन ग्रे और दूसरा है दोस्तों जो स्पीड है उसे कंट्रोल करना है ऑपरेट करना है तो वो भी आप इस लैपटॉप में इजली कर सकते हैं ऊपर की साइड में दोस्तों आपको वेब दिया गया है एंड दोस्तों ये कोई नॉर्मल वेब नहीं है ये आता है दोस्तों वेब एक एडवांस इंफ्रानेट कैमरे के साथ जिसकी मदद मतलब से दोस्तों अगर आपको वीडियो कॉल्स करने हैं या फिर कोई कॉन्फ्रेंस कॉल करना है तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं यही नहीं दोस्तों इस वेबकैम की मदद मतलब से दोस्तों आप अपने फे लैपटॉप को अपने फेस की मदद मतलब से अनलॉक भी कर सकते हैं सिंपल मैं कहूँ तो दोस्तों आपको लैपटॉप में फेस अनलॉक फीचर का सपोर्ट भी मिल जाता है नेक्स्ट बात करते हैं लैपटॉप के की कीबोर्ड की तो कीबोर्ड भी आपको दोस्तों बहुत अच्छी क्वालिटी का आपको देखने को मिल जाता है क्योंकि इस लैपटॉप में दोस्तों आपको एज टू एज कीबोर्ड दे रखा है जिससे दोस्तों आपको जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है जो टाइपिंग स्पीड है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है यही नहीं दोस्तों आपको लैपटॉप में इंडिपेंडेंट फंक्शन कीज़ दिया हुआ है एक्स्ट्रा हॉट कीज़ भी दिए हुए हैं जिससे अगर आप कोई भी टाइपिंग करते हो या फिर कह रहे हो आपको फास्ट टाइपिंग करनी है तो उसका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा और कंफर्टेबल मिल जाता है इस लैपटॉप को दोस्तों खास बनाता है ईसोस का एक्सक्लूसिव नंबर पैड 2.0। पॉइंट यस जिसका मतलब आप देख सकते हो लैपटॉप में दोस्तों आपको टच पैड में यहां पर आपको एक एलईडी इल्यूमिनेटेड न्यूमेरिक कीपैड देखने को मिल जाता है जो कि इंटीग्रेटेड है दोस्तों टचपैड के साथ और दोस्तों इसे सिंपली आप ऑन कर सकते हो यहाँ पर एक सिंगल से एक सेकंड के लिए अगर आप प्रेस करोगे तो ये ऑन हो जाएगा उसके बाद आप दोस्तों नंबर लॉक को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो या फिर नंबर पैड को इस्तेमाल कर सकते हो यही नहीं दोस्तों अगर दोस्तों आपको यहां पर कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है तो सिंपल आप राइट right स्वाइप करके यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आप कैलकुलेटर ओपन कर सकते हो या फिर दोस्तों अगर आपको ब्राइटनेस कंट्रोल करना है तो आप सिंगल से प्रेस करके भी ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो सो ये दोस्तों का दोस्तों ये जो एक्सक्लूसिव नंबर पैड है ये सिर्फ आपको Asus के लैपटॉप जेनबुक सीरीज में ही देखने को मिलेगा किसी दूसरे लैपटॉप में देखने को नहीं मिलेगा सो यस डेफिनेटली ये कुछ नया है और एक्सक्लूसिव है जो आपको दूसरे लैपटॉप में ये चीज एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगा जो मुझे पर्सनली पसंद आया एंड इसके लिए Asus को एक बिग थम्सअप बिग थम्सअप से दोस्तों याद आया आपको भी मुझे बिग थम्सअप देना है तो वो लाइक like बटन को जल्दी से दबा दो बस आपका थम्सअप मेरे पास आ जाएगा पोर्ट्स और कनेक्टर की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों आपको एच पोर्ट दिया गया है और दो थंडर बोल्ट यहां पर आपको टाइप सी पोर्ट दिए गए हैं और यहां पर आपको ये चार्जिंग इंडिकेटर दिया गया है राइट हैंड साइड में दोस्तों आपको ये USB 3.2 टाइप दिया गया है जिसका एक पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है और साथ में दोस्तों आपको यहाँ पर एक माइक्रो एस कार्ड का स्लॉट दिया गया है एंड यस yes, दोस्तों आपको लैपटॉप में 3.5 पॉइंट mm फाइव जैक का सपोर्ट नहीं मिलता 3.5 पॉइंट mm फाइव जैक मिसिंग है लैपटॉप में बट या उसकी जगह पे अच्छी बात यह है कि एसूस वालों ने बॉक्स में ही आपको यूएसपी टाइप सी से 3.5 पॉइंट mm फाइव जैक वाला जो डोंगल है वो आपको बॉक्स में ही देखने को मिल जाता है तो उसकी मदद से आप इजिली थ्री पॉइंट फाइव जैक वाले ईयरफोन हेडफोन को भी यूज़ कर सकते हो चलिए नेक्स्ट परफॉर्मेंस पार्ट पे आते हैं तो एसोस का ये जेनबुक 13 इंच यू एक्स मॉडल दोस्तों पावर्ड बाय इंटेल कोर i7 है जो कि दोस्तों एक लेटेस्ट टेन जनरेशन का प्रोसेसर है एंड दोस्तों इसका अगर मैं प्रोसेसर की बात करता हूं तो ये जो प्रोसेसर दोस्तों 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस है और इसमें दोस्तों आपको टोटल चार कोर्स मिलते हैं और एट कंप्यूटिंग थ्रेड्स दिया गया है इसके दोस्तों जो क्लॉक स्पीड है वो 1.3 पॉइंट थ्री है और दोस्तों आप इसकी फ्रिक्वेंसी को बूस्ट कर सकते हैं अपटू थ्री पॉइंट नाइन और एट एम का आपको कैचे मेमोरी दिया गया है एंड लैपटॉप में दोस्तों आपको इंटीग्रेटेड इंटेल आयरिस प्लस ग्राफिक का सपोर्ट दिया गया है So yes, देखा जाए तो परफॉर्मेंस भी आपको लैपटॉप में काफी अच्छी मिलने वाली है इंटेल आई सेवन है लेटेस्ट जनरेशन है टेंथ जनरेशन तो ये चीज़ अच्छी है लैपटॉप में फास्ट मल्टीटास्किंग के लिए दोस्तों आपको लैपटॉप में सिक्सटीन जी का एल पी डी डी आर फोर एक्स रैम दिया गया है जिसकी क्लॉक स्पीड है थर्टी टू हंड्रेड मेगा हर्ट्स विच इज क्वाइट इंप्रेसिंग एंड आपको दोस्तों लैपटॉप में अप टू वन टी बी एस एस टी कार्ड का सपोर्ट दिया गया है एंड ये आता है दोस्तों लेटेस्ट एन वी एम ई एम टू एच एस टी के साथ सो so, इस लेटेस्ट स्टोरेज टाइप होने की वजह से दोस्तों जो ओ एस है वो बहुत जल्दी फास्ट लोड हो जाता है इसके अलावा दोस्तों जो एप्लीकेशन है वो भी बहुत जल्दी लोड हो जाते हैं ओपन हो जाते हैं अभी तक मैंने जितना भी यूज़ किया दोस्तों मुझे कोई भी किसी भी तरह का हैंग हैं या फिर लैग देखने को नहीं मिला एप्लीकेशन यूज़ करते हुए जो विंडो है दोस्तों वो भी बहुत जल्दी फास्ट ओपन हो जाता है इसके अलावा दोस्तों आपको एच एस पर दिया गया है जिससे दोस्तों आपको जो रीड राइट स्पीड है डेफिनेटली वो भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाता है इस लैपटॉप में नेक्स्ट बैटरी लाइफ तो इस लैपटॉप में दोस्तों आपको 67 सेवन वॉट आवर लिथियम पॉलीमर बैटरी दिया गया है जो आपको करीब 20 टू 22 टू आवर्स का बैटरी लाइफ प्रोवाइड करता है एंड दोस्तों येस ये आता है फास्ट चार्जर के साथ सो यस इट इज़ क्वाइट इंप्रेसिंग और अगर मैं बैटरी लाइफ की बात करूं बैटरी बैकअप की बात करूं तो ये आपके यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लैपटॉप को यूज करते हो हैवी या फिर नॉर्मल जेनबुक के दोस्तों इस लैपटॉप में आपको इंटेल वाई फाई सिक्स वायरलेस नेटवर्क का सपोर्ट मिलता है जिससे दोस्तों आपको फास्टर वायरलेस ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है एंड अच्छी बात यह कि दोस्तों ये आता है एसोज के एक्सक्लूसिव वाई फाई स्मार्ट कनेक्ट फंक्शन के साथ यस yes. एंड दोस्तों आपको इसमें जो इंटेल वाई फाई सिक्स दिया गया है, दोस्तों ये दोस्तों डुअल बैंड को सपोर्ट करता है स्पीड मिलती है वो मिलती है अपटू टू पॉइंट फोर जी बी पी एस एंड ये दोस्तों देखा जाए तो ये भी काफ़ी इम्प्रेसिंग है अगर आपके घर में दोस्तों इतने स्पीड का अगर वाईफाई है डोल बैंड में आपको इतनी स्पीड मिलती है तो डेफिनेटली आप उसका जो स्पीड है ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है दोस्तों वाईफाई का डोल बैंड में जो आपको फुल स्पीड मिलती है उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल ले सकते हैं ओएस की बात करते हैं तो दोस्तों लैपटॉप में आपको विंडोज 10 होम दिया गया है और उससे भी अच्छी बात यह है कि दोस्तों ये लैपटॉप आता है प्री इंस्टॉल एमएस ऑफिस 2019 के साथ जो कि एब्सोल्यूटली फ्री है मतलब आपको खरीदने की प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है आपको इसमें पहले से ही इंस्टॉल मिलता है एक चीज़ दोस्तों मुझे इस लैपटॉप के काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी ये लैपटॉप आता है दोस्तों माय एसोस वन स्टॉप पोर्टल के साथ जिसकी मदद मतलब से आप दोस्तों सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं एंड अगर सिस्टम में दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम है तो दोस्तों आप इसकी मदद मतलब से सिस्टम डायग्नोसिस कर सकते हैं चेक कर सकते हैं एक सिंगल क्लिक में दोस्तों कस्टमर सर्विस एजेंसी का यहाँ पर सपोर्ट पा सकते हैं एंड हाँ दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप चैटिंग भी कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पर कभी भी किसी भी वक्त सो so येस yes, यार ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको ऐसुस के इस लैपटॉप में देखने को मिल जाता है एंड देखा जाए तो दोस्तों ओवरऑल ये एक बहुत ही अच्छा लैपटॉप मैं कहूँगा यहाँ पर एसूस के तरफ से और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फ़ीचर्स है दोस्तों जो मुझे पर्सनली पसंद आए जो मैंने आपको इस वीडियो में शेयर किया है सो या ओवरऑल मैं कहूँगा कि ईसूस ने इस लैपटॉप में काफ़ी अच्छा काम किया है एंड मेरी तरफ से एक बिग तम्स अप वैसे दोस्तों इसकी जो प्राइसिंग है लैपटॉप की वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में डाल दूंगा एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा उस वेबसाइट पर जाके दोस्तों आप इस लैपटॉप के बारे में और ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं वेल दोस्तों ये तो था मेरा ओपिनियन इस लैपटॉप को लेके मुझे कैसा लगा अब आप लोग बताओ आपके क्या ओपिनियन है इसी लैपटॉप को लेके आपको ये लैपटॉप कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना एंड हाँ दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना कुछ भी सालों नीचे कमेंट कर सकते हो सोशल मीडिया पर जाकर मुझे फॉलो कर लेना वापस जाकर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो मिलता दोस्तों मैं आपको एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए गिर बाय